भाजपा विधायक के बयान पर चंदौली का सियासी पारा बढ़ गया है। एक तरफ जहां विधायक ने पत्र जारी कर खेद प्रकट किया, वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने सपाइयों की ओर से मिली तहरीर पर जांच के बाद मुकदमा दर्ज करने की बात कही। इसके बाद धरना समाप्त हुआ। थाने में हम जो कल घटना घटी है, श्रीमती साधना सिंह जो विधायक हैं मुगलसराय की, उन्होंने जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी उन्होंने किया है, तो उस टिप्पणी के विरोध में हमने इनको एक जो है एप्लीकेशन दिया FIR दर्ज करने के लिए। उसमें उन्होंने जो टिप्पणी किया उसकी CD मैंने दिया है, CD दिया है। CO साहब भी थे, SO साहब भी थे। हमने कहा मेरा एप्लीकेशन ले लीजिए और एप्लीकेशन पर कार्रवाई कर दीजिए। बसपा के साथियों ने एप्लीकेशन दिया है और आश्वासन मिला है कि 2 दिन में हम इसका परीक्षण करके FIR या कार्रवाई करेंगे। अगर 2 दिन में नहीं करते हैं तो हम लोग संयुक्त रूप से बैठक करके एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। तहरीर इन लोगों ने दिया है मुगलसराय विधायिका जी के खिलाफ, पूरनपुर गांव में भाषण के, उसमें CD और तहरीर दी है। तो CD का तो परीक्षण कराया जाएगा और परीक्षण उपरांत तो जो भी इसमें वो होगा वो कार्रवाई की जाएगी।